की जगह तो मिटा उनको। और इतने में ही अनिल पांच दो चल। उनकी बातें सुनने में काफी मजा आ रहा था तुम्हें। तो कौन सी बातें? वाह, मतलब तुम अब सब कुछ भूल जाने का नाटक करोगी या फिर से सुनने का मन कर रहे? कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे काफी बुरा है, तुम्हें हॉलीडेज पे लेके जाएगा, एंजॉय करवाएगा, तुम उसके बच्चों को संभालोगी, मजे करोगी, है ना? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है सर जी। तो किसी को टोका भी तो नहीं? सब कुछ बैठ के सुन रही थी, हंस रही थी, स्माइल कर रही थी, खुश हो रही थी, अच्छा लग रहा था। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? मैं वही बोल रहा हूँ जो जो यहाँ पे हुआ, बस रिपीट कर रहा हूँ चीजें। मैं तुम्हारे रूम के बाहर से गुजर रहा था, मैं तुम्हें स्माइल करते हुए देखा, काफी खुश लगी थी। मैंने वह सरप्राइज, मेरा मतलब है मुझे पता ही था कि तुम शादी को लेकर इतनी एक्साइटेड हो। तो क्या चाहते हैं कि मैं बस ऐसे ही जिंदगी भर उदास रहूं? मैं क्या चाहता हूँ वो क्लियरली मैटर नहीं करता, लेकिन अगर मुझे पता होता कि तुम शादी को लेकर इतनी एक्साइटेड हो तो मैं तब का तुम्हारी शादी करवा चुका होता। लो हिम्मत, थोड़ी वीकनेस। मैंने तो कभी नहीं बोला कि शादी करके मैं दुखी हो जाऊंगी, उदास हो जाऊंगी। हाँ नहीं बोला तुमने, मेरी गलती है, मैंने गलत समझा। पहले गलत समझा लेकिन बाद में तो समझ गए ना। खैर क्या फर्क पड़ता है, शादी हो रही है मेरी। खुश हो ना तुम? हाँ यू वेरी हैप्पी। अब यही लाइफ है तुम्हारी, हॉलीडेज पे जाओगी, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स खरीदोगी, तुम हीरे गहने ये सब खरीदोगी, पति का ख्याल रखोगी, बच्चों का ख्याल रखोगी। अब यही लाइफ है तुम्हारी, है ना? एक ही बार कितनी बार दोहराएंगे, क्या फायदा इन बातों का? कभी आज दिखाया मैंने आपके सामने? हाँ मेरे सामने नहीं दिखाया, यही गेम प्लान है तुम्हारा। अगर मेरे सामने दिखाती ना कि तुम लालची हो तो यहां तक पहुंच नहीं पाती। जनक मैंने तुम्हारे बारे में जो जो सोचा था ना, तुम बिल्कुल उसकी ऑपोजिट निकली। अच्छा मैंने कहा था मेरे बारे में सोचने के लिए, मैं सोचा ही क्यों? मैंने तो कोई आज तक अच्छा काम तक नहीं किया है जो मेरे बारे में एक पल के लिए भी आप अच्छा सोचे। फिर भी जो भी कुछ सोचे ना आपने मेरे बारे में, वो आपकी गलती है, आपकी प्रॉब्लम है, वो मेरी नहीं। सब बकवास की बातें भूल जा और ये बताओ कि तुम्हारी शादी है, इसलिए व्रत रखा तुमने? सबने कहा था मुझे। सब में कौन कौन आता है? और तुम तो ऐसे कह रही हो कि तुम्हारा मन ही नहीं था। हाँ पर ऐसी बातें कर रही हो कि तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा और अच्छा हस्बैंड मिला है। मैं व्रत रखू या ना रखू, आपको हर चीज से, हर छोटी चीज से क्यों इतना फर्क पड़ता है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम होगी मुझे? इसलिए मैं तुमसे सब सीधा सीधा पूछ रहा हूँ। पूरे दिन पूरे रात तुमने कुछ नहीं खाया, बीमार हो जाओगी तुम। वैसे भी तुम्हें रात को निकलना है, तुम्हारे ससुर जी बीमार है। हाँ सब पता है तुम्हें, आज रात की फ्लाइट मिल गई तो बेस्ट है ना, निकल जाओगी यहाँ से। और अगर फ्लाइट नहीं भी मिली तो आई गेस तुम्हारे पति का प्लान है बाई रोड गाड़ी से जाने का, फिर दूसरे शहर से फ्लाइट है, हो सकता है उसने रात की फ्लाइट बुक भी कर ली होगी, टिकट मिल गई होगी उसे। मैं नहीं जानती। नहीं जानती मतलब तुम्हारे हस्बैंड से बात नहीं हुई तुम्हारी? मुझे नहीं पता। तुम्हारी सही में बात नहीं हुई और तुम ये सोचते हो कि मैं एक बार मान लूं? अरे हम माने या ना माने क्या फर्क पड़ता है मुझे? मैंने मैंने बोला था कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती हूँ, तो तुम हर बार सेम चीज पूछते रहते हैं। सही कह रही हो, सही चल रहा है तुम्हारा। इतना लंबा व्रत रखा है तुमने तो तोड़े क्यों? शादी तो अभी हो जाएगी, है ना? नहीं सही कह रही हो तुम, कह रही हो अपना ये व्रत कंटिन्यू रखो और अभी से एक अच्छी और ऑर्डर फॉलो करने वाली वाइफ बनने की आदत डाल दो तुम, क्योंकि अब से यही पहचान है तुम्हारी, अविनाश की वाइफ, उसकी पत्नी। मेरी ब्लेसिंग हमेशा तुम्हारे साथ है झलक। ओ सॉरी झलक नहीं, अविनाश की वाइफ। लो पांडे देवी को फॉलो करना। Great!
जनक की शादी के लिए खुशी को देखकर अनिरुद्ध का फूटा गुस्सा। अनिरुद्ध ने लगाया जनक पर लालची होने का आरोप। स्टार प्लस के शो जनक के ऑन लोकेशन से हम लेकर आए हैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट, जहां पर हमें ये देखने मिल रहा है जैसा कि अनिरुद्ध का जनक पर ये आरोप होता है कि उसे हमेशा से यही लगता था कि जनक इस शादी को लेकर खुश नहीं है, लेकिन जनक तो काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है। जहां पर उसकी सहेलियां उसको जब ये चिढ़ाती है कि अब जनक बाहर घूमेगी, हॉलीडेज पर जाएगी और अपने पति के बच्चों को संभालेगी, ये सुनकर भी जनक को कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। साथ ही साथ जनक से अनिरुद्ध का ये कहना होता है कि आज तक जनक को अनिरुद्ध काफी अच्छा मानता था, लेकिन जनक तो असलियत में एक लालची लड़की निकली है। जहां पर शादी के लिए जनक के व्रत रखने की बात को लेकर भी अनिरुद्ध जनक पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और यहां पर जनक अनिरुद्ध को कुछ भी समझाने से इनकार कर देती है। वेल, क्या है आपका कहना इस पूरी अपडेट को लेकर? आप अपना ओपिनियन हमें जरूर बताएं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।